को अमर बनाओ, मन को अमर बनाने को क्या है? एक बाप के सिवाय कोई कर सकता है? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा भी जरूर होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की सारी ताकत 100% ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे। स्वार्थ की चिंता भी नहीं करेंगे तो कौन याद आवेगा? मन कहाँ लगेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, जो असोचता है उसी में बुद्धि लगेगी। जैसे को याद करेंगे मन वैसा ही बनेगा। धन की सेवा, जो भी धन है, गरीब के पास थोड़ा है, साहूकार के पास बहुत है। बाप कहते हैं गरीब का थोड़ा पैसा और साहूकार का ढेर पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाया जाए तो बराबर फल मिलेगा। बाप ये नहीं देखता किसने थोड़ा दिया किसने जास्ती दिया। ये गुरु लोग देखते हैं, साहूकार की जास्ती कदर करेंगे, गरीब को पूछेंगे नहीं। बाप तो गरीब रिवाज गाया हुआ है। जो 100% अपना धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं उनका मन कहाँ जाएगा? बाप के पास जाएगा। तो ये पक्का नियम है। अपने सारे पुरुषार्थी जीवन में देखें, जब से बाप का परिचय मिला है आज से लेकर अंत तक तन और धन की ताकत कहाँ लगाई है? तो रिजल्ट क्या देखेंगे? अन्याय का रिजल्ट देखेंगे या न्याय का रिजल्ट मिलेगा? न्याय का रिजल्ट मिलेगा। बाप रूहानी है, ऊंची से ऊंच पाठधारी हीरो हीरोइन के तन में आता है। जैसे ब्रह्मा के तन में आया, उस तन के लिए कोई खास छूट दे दी क्या? साहूकार में आया, मरते दम तक खांसी में छूट दे दी क्या? दे दी? नहीं दी। गरीब के तन में आता है तो कोई छूट देता है क्या? देता है? नहीं देता। तो ऊंच से ऊंच करतार है ऐसे नहीं कहा जा सकता कि एक ही अमन बन सकता है और कोई दूसरा अमन नहीं बन सकता। होते तो नंबरवार हैं। कोई 100% बनता है तो कोई 99% भी बनता है। चलो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, वर्तमान में तो आंखें खोल लें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाएगा, परंतु प्रैक्टिस पड़ जाती है, अभ्यास पक्का हो जाता है। वो अभ्यास तोड़ना मुश्किल लगता है, फिर भी बाप का वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। और बंदर 29 पेज पर जाते हैं, जो भी बाप के सहयोगी बनते हैं बड़े बड़े बंदर हैं। राम की सेना प्रसिद्ध है। बाप ये नहीं देखते हैं कि ये कितने विकारी हैं। ऊंची स्टेज में जाने के लिए कौन सा जानवर प्रसिद्ध है? तो जो हिम्मत करे तो बाप से प्राप्ति करे। पर जाने के बाद बुद्धि से सोचना चाहिए कि जो ऊंची स्टेज में रहने वाला है वो बैलेंस वाला होगा या उत्तेजना में आकर के बैलेंस को खो देने वाला होगा। क्या होगा? बैलेंस में रहने वाला होगा। और तुलसी का पार्ट अलग है, रुद्र का पार्ट अलग है। विकारों पर पहले पहले विजय पाने वाली का पार्ट अलग है। तुलसी दो प्रकार की दिखाते हैं, एक काली तुलसी और एक हरित तुलसी। काली तुलसी जंगल में ही फलती फूलती है, उसे कांटों का जंगल चाहिए, कांटे माना दुखदाई। और हरित तुलसी घर परिवार में ही पलती है, यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। एक काले पत्तों वाली तुलसी और एक हरे पत्तों वाली तुलसी। हरे से तुलसी एक परिवार में नहीं रहेगी, दूसरे परिवार में रहेगी। परिवार ही चाहिए। कांटों का जंगल जैसे सन्यासियों का होता है, ऐसे नहीं चाहिए। हरित तुलसी भल परिवार में रहती है, परंतु बेडरूम में रखी जाती है या आंगन में रहती है। कोई चैतन्य आत्मा के पार्ट की निशानी है या जड़ पौधे की निशानी है? पार्ट है। बेडरूम में कौन रहता है ज्यादा नजदीक, और दरवाजे पर कौन बैठती है? कौन बैठती है? दास दासी कहाँ बैठते हैं? दरवाजे पर बैठते हैं। अंदरूनी बात तक नहीं पहुंचती, राज को नहीं जान पाती। जरूर नाराज होती होगी। जो बाप कहते हैं संगम युग में मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते तो तिरस्कार कर देते। पद नीचा हो जाता है। तो नंबरवार अलग अलग पार्ट हैं। काली तुलसी का परिवार अपना है, हरित तुलसी का परिवार अपना है। हाँ, भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो चाहे काली तुलसी का पत्ता हो और चाहे हरित तुलसी का पत्ता हो, पत्ता अर्पण किए बगैर भगवान का भोग नहीं लगाते। स्थूल भोग भोगने की बात होगी, लड्डू पेड़ा खाने की बात होगी या देहद का भोग भोगने की बात होगी। बेहद की बातें हैं। जरूर तुलसी ने पहले पहले भोग लगाया है, जो हिम्मत और कोई दूसरों ने नहीं की है। एक ने हिम्मत की तो पीछे पीछे फॉलो करने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। एक तन को अर्पण करता है, बिना फेरे हम तेरे, तो हजारों हजार निकल पड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन चलता है। प्रैक्टिकल भोग भगवान का लगाया जाता है। भोग लगावेंगे तो तुलसी का पत्ता जरूर चाहिए, तब तक भगवान का भोग हो नहीं सकता। प्रेफरेंस उसके लिए। और राम और कृष्ण माना गया। राम रम शब्द से बना है। रमण करने वाला। रमण करना माना खेल खेलना। कोई खेल खेलता है, खेल खेल में खेल खेलता है तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। तो राम है रमण करने वाला और रमण कराने वाला, खुश रहने वाला और खुश करने वाला। इसलिए कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम। याद करने वालों की बुद्धि जिसमें रमण करती है, खुशी का अनुभव करती है, वो राम है। निराकार होगा, बिंदु होगा या साकार में निराकार होगा? जरूर साकार में निराकार है। वो राम है। और कृष्ण चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, भक्ति मार्ग में भक्तों ने तो दोनों भगवान को अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में दोनों अलग हैं। पार्थधारी आत्माएं जब संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं कि राम और कृष्ण एक ही पर्सनालिटी है, संपन्न स्टेज में एक ही पर्सनालिटी है या दो है? एक ही पर्सनालिटी है, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण माना आकर्षित करना, खींचना। अब पर्सनालिटी एक ही है, खींचने वाले खींचते हैं, कोई देह के ओर खींचते हैं, कोई देह के अंदर जो विदेही पार्ट बजाने वाला है, करण करावनहारे है, उसकी ओर खींचते हैं। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ जाता है। फिर भक्ति मार्ग में समझते भी हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। न साकार को देखना है और न पाम्प एंड शो करके आकर्षित करने वाले को देखना है। किसको देखना है? जो सदैव गुप्त है, अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं करता, बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। बेसिक नॉलेज में भी नंबरवार बच्चे पहले प्रत्यक्ष हुए या बाप ने अपने को प्रत्यक्ष किया? एडवांस में भी वो गीत लागू होता है अपने आप, सभी कुछ करके अपने आप उपाया। जैसे बेसिक नॉलेज में दीदी दादी दादा हैं, संसार रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जो असली कार्य करता है उसने अपने को गुप्त कर दिया। ऐसे ही एडवांस में भी होता है। बेसिक में जो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सितारे हैं, वो फिर भी चंद्रवंशी है। ज्यादा नाम वाला किसका होगा? सूर्यवंशियों का होगा, जो सूर्य की रहबरी में पलने वाले हैं, या जो सूर्यवंशी हैं और सूर्य के सामने अपनी हस्ती को मिटाई देते हैं, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बल नंबरवार शक्ति अनुसार प्रत्यक्ष करते हैं कि बाप तो सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबरवार हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे संसार में नाम रोशन करते हैं। राइसी के फॉलोअर्स जो नंबरवार हैं वो भी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होते हैं। इब्राहिम के फॉलोअर्स जो नंबरवार हैं वो भी हिस्ट्री में प्रत्यक्ष होते हैं। गुरु नानक के फॉलोअर्स, बुद्ध के फॉलोअर्स सब नंबरवार हिस्ट्री में प्रत्यक्ष हुए। यहाँ सूर्यवंशियों को प्रत्यक्ष होना है और उस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं जो हर धर्म की माला में सिमरन किए जाते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें वो माला सिमरन न की जाती हो। वहाँ सिमरन करते हैं, नाम रखते हैं और यहाँ स्मरण में आते हैं। सारी दुनिया की स्मृति पटल पर छा जाएंगे। बहुत नाम वाला होने वाला है। अपने मर्तबे को जानते भी नहीं है। अगर जान जावे तो का पारी नशा चढ़ जावे। और माया प्रकृति दोनों एक ही रूप का है, तो माया के खाने पीने की प्रकृति। आधा तेलुगु आधा हिंदी का अनुवाद करो। क्या बोला? कितनी बात समझ ले? अरे कोई ने इनकी बात समझ पाई कि नहीं? नहीं समझी? और क्लियर करो, अपनी भाषा में ही बोल दो। माया के सहयोगी प्रज्वलीकरण कितना रूप धारण करते हैं? हम तो 108 में माया प्रज्वली दोनों एक ही रूप का है, क्यों है? माया की खान बनेगी प्रज्वली। माया की खान बनेगी प्रज्वली, ऐसा क्यों? हाँ क्या? सतयुग त्रेता में प्रकृति देवताओं की हैंड बनती है या मायावी असुरों की हैंड बनती है? देवात्माओं की हैंड बन करके रहती है। और द्वापर कलयुग में दुमोह जो होते हैं उनकी सहयोगी बनकर रहती है। और अंत में विकराल रूप धारण करती है। जब विकराल रूप धारण करती है तो माया उतनी विनाशकारी साबित नहीं होती जितनी सख्त विनाशकारी साबित हो जाती है। क्योंकि प्रकृति और उसके पक्के पक्के फॉलोअर जड़ प्रकृति और जड़ प्रकृति के जड़त्वमयी बच्चे, जड़ बुद्धि वाले जो भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, वो रुद्रमाला के मड़के होते हैं। यह मायावी भक्त होते हैं। कौन होते हैं? माया के रुद्रमाला के मणके होते हैं। रुद्रमाला में हर धर्म की बीज रूप आत्मा समाई हुई है। नंबरवार बाप को पहचानने वाले हैं। उनका हुजूम बहुत हो जाता है। चंद्रवंशियों से लेकर और नास्तिक वर्ग तक जितने भी धर्म और धर्म के फॉलोअर्स हैं या मुखिया हैं, द्वापर कलयुग में मायावी तो बने ही जाते हैं, लेकिन प्रकृति को सबसे जास्ती पोल्यूट करते हैं। प्रकृति को माता कहा जाता है। प्रकृति कहो, कुदरत कहो, सबसे अच्छा न्याय करने वाली कौन है? कुदरत। उसका नाम है प्रकृति। प्रकृत रूपेण जिसकी कृति हुई है, कृति माने रचना, प्रकृति। भगवान ने जब रचना रची तो प्रकृति माता की रचना में एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत उसका निर्माण करने में लगा दी। निराकार ने ताकत लगाई या निराकार साकार दोनों ने ताकत लगाई, तो कितनी पावरफुल हो जाती होगी। परंतु जड़त्वमयी होती है। जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाती। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 मायावी सिर और 5 प्रकृति के सिर और 10 शिखरों का जो रचयिता है वो देह अभिमान गधे के रूप में ऊपर दिखाया जाता है। माया का भी रचयिता है और प्रकृति का भी रचयिता है। लंबे समय की शक्ति लगी है, वो माता का पार्ट है। बच्चे की जब रचना होती है तो ज्यादा शक्ति बच्चे में माता की आती है, ज्यादा खून माँ का आता है या बाप का आता है? माँ का आता है। तो प्रकृति की परवरिश में और माया बेटी की परवरिश में दोनों एक प्रकार से बहने बहने हैं। प्रकृति के सब पूंगरे हैं और माया मौसी कही जाती। दोनों ही रचना है। उस रचना में कृष्ण की आत्मा का पाठ और शक्ति विशेष नुदी हुई है। यज्ञ के आदि से ब्रह्मा ने भी बाप को नहीं पहचाना। प्रकृति माता ने भी बाप को नहीं पहचाना। पहचाना होता तो फॉलो करती। और माया बेटी ने भी बाप को नहीं पहचाना। इसे रावण के लिए कहते हैं कि रावण ने तो नहीं पहचाना, थोड़ा थोड़ा मंदोदरी ने पहचाना। कैसे उधर वाली थी? मंद उदर वाली। उदर माने पेट, बुद्धि रूपी पेट, मंद बुद्धि था। फिर भी रावण के मुकाबले जाति पहचाना और रावण को समझाया भी। कि विरोध करना छोड़ दो, परंतु इतनी शक्ति नहीं थी। बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं थी। वाचा तक ही विरोध करके रह गई, प्रैक्टिकल में विरोध नहीं कर सकी जैसे विभीषण ने किया। विभीषण ने वाचा से ही विरोध किया या प्रैक्टिकल में भी विरोध किया? प्रैक्टिकल में भी करके दिखाया। तो माया और प्रकृति ये दसों शीश मिलकर के राम के विरोधी बनते हैं। सिर्फ माया विरोध करती है तो कोई खास विरोध सामने नहीं आ पाता, लेकिन माया के साथ साथ जब प्रकृति भी सहयोगी बन जाती है तो भयंकर विनाश हो जाता है। कहते हैं प्रजापति ने दक्ष यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ रचा, तो पार्वती ने क्या किया है? भस्म हो गई। क्या मतलब है? किसको स्वाहा कर दिया? आत्मा को स्वाहा कर दिया या शरीर को स्वाहा कर दिया? देहभान त्याग दिया, देह खलास हो गई। संगम युग में जो ब्राह्मण अपना शरीर ही त्याग देंगे वो परमात्मा बाप से प्रैक्टिकल प्राप्ति कर सकेंगे इस जन्म में, है? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। औरों से प्राप्ति करेंगे क्योंकि बाप की पूरी पढ़ाई समय रहते नहीं पढ़ पाई। इसलिए नंबर बार की लिस्ट में आ जाते। प्रकृति और प्रकृतिपति को भगवान कहा जाता है, प्रकृति को पत्नी कहा जाता है। माया और मायापति, मायापति भगवान को कहा जाता है। और फिर कहते हैं सीतापति। पार्वती पति, राधापति कहा जाता है? नहीं कहा जाता। लेकिन असल में कौन है राधा का पति? राधा किसको पति मानती है? भगवान को ही पति मानती है, रक्षक मानती है, और किसी मनुष्य मात्र को नहीं मानती। ये अंदरूनी बात है। माया के लिए और प्रकृति के लिए ये बात सदा काल लागू नहीं होती। अगर सदा काल लागू हो जाए तो स्वर्ग से नरक ही न बने और नरक से स्वर्ग भी न बने। इसलिए रुद्रमाला की हेड और भक्तमाला की हेड मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं विनाश नहीं करता हूं। कौन निमित्त बनते हैं? शक्तियां ही हैं जो असुर संहारिणी बनती है। न मैं निमित्त बनता हूं न गॉड फादर बाप का बड़ा बच्चा शंकर निमित्त बनता है। ये तो सिर्फ गायन मात्र है। क्या शंकर द्वारा विनाश, परंतु शंकर करता है क्या? या शंकर में प्रवेश करने वाला शिव करता है क्या? नहीं। डिस्ट्रक्शन करने से फायदा होता है या नुकसान होता है? हैं? ज्यादा क्या होता है? हैं? देव आत्माओं के लिए जो जिंदा रहते हैं उनके लिए कल्याणकारी है, और बाकी जो शरीर छोड़ जाते हैं उनके लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? पद नीचा कराने वाला है या पद ऊंचा कराने वाला है? इसलिए कहते हैं निर्माण करना अच्छा है या विनाश करना अच्छा है? निर्माणकारी बनना अच्छा है। जो निर्माण करने वाले होते हैं वो निर्माण होते हैं, उन्हें मान मर्तबे की परवाह नहीं होती, और जिन्हें मान मर्तबे की परवाह होती है कि हमारा मान मर्तबा हो जाए, संसार हमें मान्यता दे, उनका पद नीचा हो जाता है। और जी माना विशेष और भीषण माना भयंकर, किसके लिए विशेष भयंकर? राम के लिए विशेष भयंकर, राम संप्रदाय के लिए विशेष भयंकर या रावण संप्रदाय के लिए विशेष भयंकर? रावण संप्रदाय के लिए विशेष भयंकर। वो आने वाला है, आ चुका है। बेसिक की बात भी और एडवांस की भी बात भी। संपूर्ण प्रत्यक्षता तो अंत में होगी। एक विभीषण की बात है या नंबरवार विभीषणों की बात है? नंबरवार है। सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। रावण राज्य का विनाश हुआ, राज्य किनके हाथों में आया? हैं? रावण राज्य का कंट्रोलिंग किसके हाथ में आया? विभीषण के हाथ में आया। राम ने रावण राज्य को कंट्रोल नहीं किया, किसको सौंप दिया? विभीषण को सौंप दिया। बंदरों को भी कंट्रोल नहीं करने दिया। हाँ। वो पहले नंबर वाला विभीषण कौन से धर्म से कनेक्टेड है? रावण कौन से कुल का था? कुंभकर्ण कौन से कुल का था? और विभीषण कौन से कुल का था? कितना अंतर था विभीषण में और कुंभकर्ण में? कुंभकर्ण ने अपने कुल का मान रखा, जिस कुल में जन्म लिया उसका मान रखा, और विभीषण ने जिस कुल में जन्म लिया उसके संहार का निमित्त बना। और फिर राज्य की इच्छा की, एग्रीमेंट कर लिया क्या एग्रीमेंट किया है? क्या एग्रीमेंट किया? कि रावण का पराभव हम कराएंगे और रावण राज्य को आप हमको दिलाएंगे। बाप तो बेताज बादशाह है, बाप के जो चित्र दिखाए जाते हैं वो मालिक पने के दिखाए जाते हैं, ये फकीर का फकीर ही दिखाया जाता है, फकीर का फकीर ही दिखाया जाता है। ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है, इस विनाशी दुनिया के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहेगा। जन्म जन्मांतर की भविष्य की कंट्रोलिंग पावर लेनी है, आत्मा के अंदर भरनी है, या इसे विनाशी दुनिया की कंट्रोलिंग पावर लेनी है? जन्म जन्मांतर की आत्मा को कंट्रोलिंग पावर मिले, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। किसके अर्थ? पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी पुरी में सोने वाली, आराम करने वाली, शरीर रूपी पुरी में शांत स्टेज में रहने वाली। शांत रहो और शांत रहने दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, तो कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुष रूपी आत्मा के अर्थ जो किया जाए वो है पुरुषार्थ। आत्मा का कनेक्शन 84 भविष्य जन्मों से है और देह का कनेक्शन इस एक जन्म से है। तो हमको क्या बनना है? स्वार्थी बनना है या पुरुषार्थी बनना है? पुरुषार्थी बनना चाहिए। इस जन्म में कोई को दूसरों को कंट्रोल करने की वृत्ति हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। इस जन्म में हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का धर्म क्या है? दूसरों को कंट्रोल करना, राजाई करना या सेवा करना? सेवा करना। हमारा बाप भी क्या बनकर आता है? बच्चे, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बच्चे इस जन्म में इस शरीर के रहते रहते दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा वाले कैसे हो सकते हैं? जबकि पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य ही है इच्छा मात्रम अविद्या। और रावण के कितने रूप है? अरे उनमें भी कुछ मुख्य रूप दिखाए गए होंगे। रावण के फीचर्स कुछ दिखाए हैं कि नहीं दिखाए? 10 फीचर्स दिखाए, उसमें 5 हैं मंदोदरी के, वो प्रकृति के फीचर हैं। और हम अभ्यास करने के लिए सारे फीचर्स पैदा कर रहे हैं ना, वो तो चैटर्जी को दिखाते हैं क्या? वही लंबी की बात। हाँ, मतलब यही है कि बाप जब गरीब तन में आता है तो भले निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, लेकिन पक्का पक्का निश्चय किसी को बैठता नहीं है। जब पक्का निश्चय नहीं बैठता है। अभी घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी में अनिश्चय, तो क्या कहा जाए? बात पूछते हैं या सुनी अनसुनी कर देते हैं? क्या कहा जाए? हैं? अरे सम माने संपूर्ण और पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने आत्मा के लिए जो करे। संपूर्ण पुरुषार्थी माने जो इस शरीर के जन्म के लिए कुछ न करे, कोई चिंता नहीं, भूख मर जाएगा या नहीं मर जाएगा, क्या पेट के लिए भी कोई चिंता नहीं, पेट से पैदा हुए बाल बच्चों की भी कोई चिंता नहीं। इस देह को सुख देने वाली पत्नी की भी कोई चिंता नहीं, अपने शरीर की ही कोई चिंता नहीं, जिंदा रहेगा या खलास हो जाएगा, आगे महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो जब बहुत महंगाई बढ़ेगी तो धन की इच्छा होगी या नहीं होगी? है? होगी, लेकिन धन की भी कोई इच्छा नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण पुरुषार्थी या संपूर्ण पुरुषार्थी? है? संपूर्ण पुरुषार्थी, सम माने संपूर्ण। हाँ, जो आंध्रा है ना, आंध्रा माने अंधेरा, आंध्रा माने आंध्रा। सबसे ज्यादा तूफान कहाँ आते? आंध्रा। इंडिया में सबसे जास्ती तूफान कहाँ आते? आंध्रा में। जब बहुत जोर से तूफान आता है तो आदमी की आंखें कैसी हो जाती है? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ये तो हद की बात हो गई, बेहद की भी बात होगी कि नहीं? है? तो रुद्रमाला और विजयमाला दोनों के बीच में किसको लंगड़ा कहा जाए, किसको अंधरा कहा जाए? है? विजयमाला है अंधरा, कुछ भी पता नहीं क्या करे, और द्रमाला है लंगड़ा। तो आंध्रा के लिए आपने क्या घोषणा की है? अभी आत्मा निकलेगी, आंध्रा से आत्मा निकलेगी। आत्मा आत्मा तो निकलेगी। हाँ, नंबर 1 आत्मा निकलेगी। नहीं मालूम? अरे बाप दादा ने किसका आह्वान करने के लिए बोला? है? विजयमाला का आवाहन करो तो अंधेरे का बैठ करके आवाहन करो। आजकल जो भी गवर्नमेंट है या विश्व की गवर्नमेंट, वो भी लूले लंगड़ों अंधरों को बहुत प्रेफरेंस दे रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत प्रेफरेंस दे रही है। तो अव्वल नंबर आने नहीं देंगे क्या? है? आने देंगे, चलो। हाँ, अभी तो बताया जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। देह देह नहीं, धन धन नहीं, संबंधी संबंधी नहीं, और संपर्क में आने वाले संपर्की नहीं। एक बाप दूसरा नु कोई, ये भी कोई पूछने की बातें रह गई अभी तक। और विनाश करने के लिए सारी दुनिया पर वायरस आने चाहिए ना, वो तो सेंसरी को दिखा रहा है, शक्तियों को कहाँ दिखाएगा? जो करेगा सो पाएगा। यहाँ बेहद का वैराग है या हद का वैराग है? हैं? बेहद के वैराग की बात है। और वो सभी वंशों में है, सूर्यवंशियों की बात नहीं है। हर वंश के जो 12-12 ग्रुप निकलेंगे, उनका सबका डिवीजन ऐसा ही होगा। हाँ जी। हैं? भले कलयुग के अंत में आता है, लेकिन देवता धर्म का सहयोगी है या विरोधी है? हैं? सहयोगी है। बाबा ने कहा है राज्य करें तो क्या हुआ? और विदेश में राज्य करना अच्छा है? हैं? विदेश में राज्य करेंगे, जहाँ राज्य करेंगे वहाँ के संघ का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? बाबा ने तो वादा किया है, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब जितना डालेंगे उतना ही तो काटेंगे, जितना बोएंगे उतना फसल काटेंगे। कोई अंत में फसल बोएगा? जब मौसम की शुरुआत है तब नहीं बोएगा, तो ज्यादा फसल निकलेगी या कम निकलेगी? है? कम निकलेगी। अरे सूरज तो निकलता है सुबह 4-5 बजे से, और आंख खुले दोपहर के 12 बजे। लोग कहते भी फिरते हैं अभी 12 नहीं बजे। तो अंत में अगर किसी की बुद्धि खुलेगी तो टू लेट के नजदीक पहुंच गया ना, फिर प्राप्ति क्या करेगा? और हाँ, साधु हो तब ना, और साधु की जगह सबाधु हो तो? साधु कहा जाता है इंद्रियों की साधना करने वाला। क्या? इंद्रियों की साधना करने वाला, उसको कहा जाता है साधु। परोसी हुई थाली भोजन की, अच्छे अच्छे भोजन 36 प्रकार के सामने आ जावे, और जन्म जन्मांतर की बीमारी बड़ी पड़ी है शरीर में, अब थाली सामने आई, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ खाना शुरू कर दिया, तो उसको साधु कहेंगे या सवाधु कहेंगे?